अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉनी जी हाजिर फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोग की एक काफ़ी दिनों बाद वेजिटेरियन रेसिपी लेकर आया हूँ। ये पंजाब की सकाफत में शामिल है। पाकिस्तान में जो पंजाब है इसके अंदर बहुत शौक के साथ इसे बनाया जाता है। आज मैं आपको माश की जो दाल है चना दाल के साथ मिक्स करके इसमें वेजिटेबल शामिल करेंगे हम। उसमें गाजर शामिल करेंगे, गोभी शामिल करेंगे और भिंडी शामिल करेंगे। और दोस्तों अगर आपकी सीजन कोई सी भी आपको सब्ज़ी पसंद है तो आप अपने जो आपको दिल पसंद आपको अच्छी लगती है तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मैं माश चने दाल की सब्ज़ी बना रहा हूँ मिक्स करके। बहुत मज़े की बनती है, बहुत सिंपल है और आसान तरीन जो पंजाबी स्टाइल में मैं बनाऊँगा। इसमें लाल मिर्चें मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, सब्ज़ मिर्चें इस्तेमाल करूँगा। चलिए दोस्तों से बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों पंजाबी दाल सब्ज़ी जो हम बना रहे हैं उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने सीजनल वेजिटेबल लिए। अगर आपके पास सीजनल जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वेजिटेबल नहीं है तो आप अपनी मर्ज़ी की तीन चार किस्म की वेजिटेबल डाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे 100 ग्राम मैंने भिंडी ली है, मैंने इसे धो के छोटा छोटा इस तरह काट लिया पीसेस में। और 100 ग्राम ही मैंने लिए गोभी, इसे भी मैंने धो के इस तरह काट लिया मोटा मोटा। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स चाहिएगा दोस्तों इसके अंदर, मैं लाल मिर्च नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं पंजाबी स्टाइल में बना रहा हूँ। तो मैंने 7 से 8 के करीब मैंने सब्ज़ मिर्चें लेके धो के से मोटा मोटा इस तरह काट लिया है। एक टमाटर लिया है और 2 बड़े साइज़ के जो गाजरें लेकर धो के छील के इस तरह मैंने काट लिया है। अगर आपको ज़्यादा गाजर पसंद हो तो 3-4 डाल दीजिएगा, लेकिन क्वान्टिटी आप 100 ग्राम रखें तो ज़्यादा बेटर है। दोस्तों नेक्स्ट इसमें इंग्रेडिएंट जाएगा, ये 3 टेबलस्पून तली प्याज है। अगर आपको तली हुई प्याज मार्केट से नहीं मिलती तो आप घर में बना के रख सकते हैं फ्राई करके। तो इसके अलावा आप फ्रेश भी ले सकते हैं। अगर आप फ्रेश लेते हैं एक बड़े साइज़ का जो है प्याज लेके उसे बारीक काट लीजिएगा, उसे ब्राउन कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर है 2 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें मैंने 1 इंच का अदरक का पीस लिया है और 6 से 7 मैंने जवे लहसुन लेकर दोनों को कूट कर रखे तक 2 टेबलस्पून के करीब बनती है। दोस्तों नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स में जाएंगे बहुत सिंपल है, 1 टीस्पून मैंने लिया जीरा, 1 टीस्पून मैंने लिया हल्दी, 1 टीस्पून मैंने लिया गरम मसाला, 1 टीस्पून ही मैंने लिया नमक। दोस्तों नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स में जाएगा, 3 से 5 टेबलस्पून के करीब हम वेजिटेबल ऑयल यूज़ करेंगे। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्लेवर पसंद है तो उसी में आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो इसके जो सबसे अहम इंग्रेडिएंट्स हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने 1/2 कप के करीब जो माश की दाल है छिलकों वाली, आप धुली हुई दाल भी ले सकते हैं, इसे मैंने 1/2 घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ था। और इसके साथ ही मैंने 1 कप के करीब चने की दाल भी भगो के रखे थे 1/2 घंटे के लिए। ये 1 कप है और जो माश की दाल है वो 1/2 कप है। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक बर्तन रख लिया है इस तरह इसका लेड भी है। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको स्टेप बताऊँगा आपने उसी तरह स्टेप्स को फॉलो करना। सबसे पहले इसमें 3 से 5 टेबल स्पून के वेजिटेबल ऑयल डालेंगे हम। उसके बाद इसके अंदर अदरक लहसुन, प्याज हमारा ब्राउन है तो हमने पहले नहीं डालना है इसे। और अगर आपका प्याज फ्रेश है तो आपने सबसे पहले प्याज को ही डालना है। चलो दोस्तों इसे 1 से 2 मिनट तक मैं लाइट गोल्डन ब्राउन करूँगा ताकि इसका जो कच्चापन है अदरक का और लहसुन का ख़त्म हो जाए। चलिए दोस्तों जो हमारा अदरक लहसुन है 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे, टमाटर डाल देंगे, तली हुई प्याज डाल देंगे, ये सारे स्पाइस डाल देंगे और इसे मिक्स कर लें। 1 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे इसी तरह।
डोसेस में हम सारी अपनी वेजिटेबल डाल देंगे। वेजिटेबल आप कहीं से भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो, तो तीन चार किस्म के आप वेजिटेबल ले सकते हैं। बैंगन डाल लें, आलू डाल लें, कुछ भी डाल लें। मैंने सीजनल ली है, मेरे पास यहाँ पे भिंडी का सीज़न है और गाजरें भी हैं और गोभी भी है, तो आप इसके अलावा मटर भी डाल सकते हैं इसके अंदर। डोसे से 2 से 3 मिनट तक हम भूनेंगे अपने वेजिटेबल्स को। ये भीगी हुई चने की दाल डाल देंगे। माश की दाल, डोसे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों इसके अंदर हम 1 लीटर के करीब पानी डाल देंगे और 1 घंटे के लिए से पकने देंगे ढक के। चलिए दोस्तों, इसमें मैंने 1 लीटर के करीब पानी डाल दिया है और 1 घंटे के लिए मैं इसे पकने के लिए रख रहा हूँ ढक्कन लगा के। मीडियम लो के ऊपर रखना है हमने। आपने ये ख्याल रखना है जी, ये उबल ना जाए, ये दाल उबलती है, इस वजह से आपने हल्की आँच पर इसे रखना है। चलिए दोस्तों, 1 घंटे के बाद इसे देखते हैं। लें जी दोस्तों, हमारी जो दाल सब्जी हम बना रहे हैं इसे तकरीबन 1 घंटा हो गया पकते हुए, चेक करते हैं इसे। देखिए दोस्तों, पानी ड्राई हो चुका है, दाल हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुकी है। मैं इसे डिश आउट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लें जी दोस्तों, दाल हमारी तैयार है, मैंने इसे नीचे उतार ली है और यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून धनिया, 2 टेबल स्पून मैंने पुदीना यहाँ पर रखा हुआ है काट के, तो ये इसमें हम शामिल कर देंगे अपने दाल में। कुछ गार्निश के लिए बचा लेंगे ऊपर। लें जी दोस्तों, हमारी मज़ेदार जो हमने पंजाबी स्टाइल में दाल सब्जी बनाई है दोस्तों, बहुत मज़े की बनी है। इसे आप सफ़ेद चावलों के साथ खाएं या तड़के वाले चावल के साथ खाएं, नान के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ आपको बहुत मज़ा देगा। दोस्तों से आपने ज़रूर बनाना है, बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है, खाने में उतनी ही मज़ेदार है। चलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो रेसिपी को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का, किड्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।